नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्निंग यूट्यूब पे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो हर सुबह हर रोज, और आप देख रहे हैं कंप्यूटर पैलेस यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले के वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है काफ़ी पुराना है। ये 1940 से लेके अब तक का जो भी कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ, जो भी परिवर्तन आए, उसको कंप्यूटर का हिस्ट्री का इतिहास माना गया है। उसमें काफ़ी सारे बदलाव उसमें आए गए हैं। तो कंप्यूटर के ये सारे बदलाव को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है, और हर एक जनरेशन के बारे में मैंने एक एक वीडियो आप लोगों के सामने बना के पेश किया। तो आप अगर नहीं देखे तो हमारे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन को आप देख लीजिए। ये कंप्यूटर का फिफ्थ जनरेशन है जो 1980 से शुरू हुआ है। 1980 से लेकर आज तक जो जनरेशन चल रहा है वो कंप्यूटर का फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। इस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में VLSI टेक्नोलॉजी जो फोर्थ जनरेशन में चलती थी वो बदल के ULSI टेक्नोलॉजी बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रो प्रोसेसर चिप में 10 लाख इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं। ये जनरेशन सामान्यतर प्रोसेसिंग और हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित है। AI कंप्यूटर विज्ञान की एक उभरती हुई शाखा है जो ऐसे कंप्यूटर बनाने की तरीके के बारे में सोच रहे हैं जो मनुष्य की तरह सोचते हो। C एंड C++, जावा, नेट जैसे सभी हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग इस जनरेशन में किया जाता है। साइंटिस्ट लगातार कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का पावर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये एडवांस प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी के सहायता से वास्तविक बुद्धि के साथ एक कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस फिफ्थ जनरेशन में काफ़ी सारे बदलाव पाए गए हैं बाकी जनरेशन के मुकाबले। इस जनरेशन में कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटे हो चुके हैं, जो आज माइक्रो प्रोसेसर के रूप में हम मोबाइल हैंडसेट पे भी हम चला सकते हैं, और लैपटॉप काफ़ी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुके हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या शामिल है ये मैं आपको बता देता हूँ। रोबोटिक टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, गेम्स और एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप करना जो रियल लाइफ में स्थितियों में निर्णय ले सकें। पांचवी पीढ़ी का मुख्य विशेषताएं, इसमें ULSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट हुई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की डेवलपमेंट हुई, एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी में प्रगति, मल्टीमीडिया फीचर्स के साथ अधिक यूजर्स फ्रेंडली इंटरफेस और सस्ते दौर पर बहुत पावरफुल और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर का उपलब्धता हुई। चलिए अब फिफ्थ जनरेशन के कुछ कंप्यूटर का बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये सब जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है जो डेवलप हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि कंप्यूटर के सारे जनरेशन के बारे में जो भी वीडियो मैंने बताया आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।